नमस्ते, मैं सीमा आप लोगों को अपनी पहचान के बारे में एक कहानी बताने जा रही हूँ। यह कहानी बिहार राज्य के नालंदा जिले में वर्ष 2011 के जून महीने में पैसा संरक्षण हुआ था, जिसका प्रसार फरवरी 2012 में शुरू किया गया। मैंने काफ़ी जगह इस रिपोर्ट का प्रसार किया, बिहार राज्य के परियोजना यानी सर्व शिक्षा अभियान के ऑफिस में और जिला में काम कर रहे संस्था को पैसा रिपोर्ट की जानकारी दी। फिर मैंने अपने एक सहयोगी के साथ नालंदा जिले में शिक्षक से संबंधित जानकारी लेने के लिए बिहार शरीफ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात करनी थी, इसलिए मैं अपने सहयोगी के साथ उनसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं थे। उसी दौरान वहाँ एक कमरे में बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे। जब मैंने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा कि इस कमरे में क्या हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी और कुछ प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आए हुए हैं और जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला स्तर के समझे सीखे पदाधिकारी ने बैठक रखी है। तब मैंने अपने सहयोगी के साथ उस बैठक में जाकर बैठी। मैं सोचने लगी कि यहाँ सभी प्रखंड के लोग हैं तो क्यों ना हम अपनी रिपोर्ट का प्रसार करें। मुझे लगा कि विद्यालय को सबसे नज़दीक से ये सभी लोग समझते हैं, कहाँ क्या कठिनाई होती है इन लोगों को से बेहतर नहीं कोई नहीं जानते होंगे, और एक साथ सभी प्रखंड के लोग हैं तो रिपोर्ट पर काफ़ी चर्चा होगी, जितना कि अलग अलग करूँगी। उसी दौरान मैंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से बात करी कि मैं अपने रिपोर्ट के बारे में इन सभी लोगों को बताना चाहती हूँ और पूछा कि इसके लिए क्या मुझे थोड़ा समय देंगे। तब वो राजी हो गए और जब बैठक ख़त्म हुई तो सारे लोग जाने के लिए उठे, क्योंकि वे सभी लोग सुबह 10 बजे से ही आए हुए थे। फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि ये दो लोग हमारे बीच आए हैं और हमारी संस्था का परिचय देते हुए उन्होंने कहा यह संस्था दिल्ली की है और नालंदा जिला में पैसा परियोजना के नाम से काम करती है। तब लोगों ने सोचा कि पैसा परियोजना क्या काम करती है ये जानने के लिए सभी लोग कहने लगे कि अच्छा, आपको जो भी बताना है आप 10 मिनट में बता दीजिए। उसके बाद मैंने बताया कि नालंदा जिले में हमारी संस्था की ओर से 143 विद्यालय का सर्वेक्षण किया गया था और उसका रिपोर्ट कुछ निकल के आया है कि विद्यालय में अनुदान समय से नहीं आता है, एक वित्तीय वर्ष का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में आता है, जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत सारा अनुदान खाते में पड़ा रह जाता है और समय से खर्च नहीं होता है। इसी तरह नालंदा की तुलना में पूर्णिया जिले और फिर मध्य प्रदेश के साथ करी गई और लोगों ने रिपोर्ट को जानने की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई और सभी इस रिपोर्ट पर काफ़ी समय तक चर्चा करने लगे और लोगों ने कहा कि हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं पर हम इतना नहीं सोचते, हमें लगता है कि विद्यालय में जो काम होना है सरकार के द्वारा जब पैसा दिया जाएगा तब काम होगा, पर विद्यालय में समय से पैसा नहीं आता है तो उसके लिए हमारा विद्यालय ही सफर करता है और कठिनाइयां का सामना हमें ही करना पड़ता है। इस रिपोर्ट को बताने के दौरान मेरी अपनी पहचान बनी। पहले मुझे लोग एक से दो प्रखंड के लोग ही जानते थे, लेकिन यहाँ पर सभी प्रखंड के साधन सेवी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ मेरी जान पहचान बनी और आज नालंदा जिला में सभी शिक्षा पदाधिकारी मुझे जानते हैं। और इसी के साथ मैं आगे ये बताने जा रही हूँ कि वर्ष 2012 के जुलाई महीने में मुझे मध्याह्न भोजन का सर्वेक्षण कराना था, जिसके लिए मुझे 50 से 60 स्वयं सेवक की जरूरत थी और इन सब सेवकों का जांच करना था। फिर मैं सोची कि क्यों नहीं नूरसराय के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात करूं कि मुझे 2 घंटे के लिए एक कमरा दे, जिससे मैं सभी स्वयं सेवक का
जांच हो जाएगी। फिर मैंने एक दिन नूरसराय के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन किए और बताया कि मुझे मध्याह्न भोजन का सर्वेक्षण कराना है और उसके लिए मुझे कुछ स्वयं सेवकों का जांच करना है, जिसके लिए मुझे एक दिन के लिए कमरा चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं अभी प्रखंड में नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे प्रखंड के साधन सेवी से बात कर लीजिए, मैं उनको फ़ोन करके बता देती हूँ, आपको एक बार उनसे बात कर लीजिए। मैं फिर वहाँ के प्रखंड साधन सेवी से बात करी तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप जिस दिन स्वयं सेवक का जांच करना चाहती है आप उस दिन आके कर सकती हैं। और नूरसराय में जहाँ प्रखंड प्रसार पदाधिकारी कार्यालय था वह एक विद्यालय में ही था, उसी जगह मुझे एक बड़ा सा कमरा मिला। फिर मैं जाकर स्वयं सेवकों को जांच करी तो उस दिन मैं काफ़ी खुश हुई और मुझे लगा कि मेरे एक फ़ोन करने पर मेरी बात सुनकर ही तैयार होकर कमरा दे दिए, क्योंकि किसी भी काम के लिए अगर आपको विद्यालय या प्रखंड साधन केंद्र में एक कमरा लेना हो तो उसके लिए जिला कार्यालय से एक पत्र निकालना होता है, तब जाकर मिलता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तब मुझे लगा इस परियोजना में काम करने से मेरी एक अलग पहचान बनी है और लोगों को हम पर विश्वास है, तब मुझे मिला। इस तरह से जिले में पैसा के नाम से एक अलग पहचान बन गया है और लोग मेरे नाम के साथ पैसा कह के ही बुलाते हैं और